हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम टेक 23। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके मिक्सर मशीन का कपलर कट जाता है तो आपको कैसे ठीक करना है। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन पर दोस्तों प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, मैं आपका कीमती समय ख़राब ना करते हुए आपको मैं टॉपिक की साइड लेके चलता हूँ। देखिए, मेरा कपलर बिल्कुल घिस गया है। तो दोस्तों, एक कपलर कुछ इस तरह का आता है। देखिए, मैं इसको ये खोल कर दिखा रहा हूँ आपको। इस पर दोस्तों तीन नट खिंचे हुए होते हैं जो अलग से ये कपलिंग के ऊपर लगा होता है। दोस्तों, एक कपलर दोस्तों ऐसा आता है कि पूरा जॉइंट खाया हुआ होता है वो, लेकिन एक दोस्तों कुछ इस तरह से आता है जो आप उसको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, इसको ध्यान से देखते रहें। दोस्तों, आपको ये चीज़ देख लेनी है ध्यान से कि अगर आपका कपलर जॉइंट वाला है तो आपको पूरा कपलर निकालना पड़ेगा, और अगर इस तरह का है तो ये तीन बोल्ट खोलेंगे कुछ इस तरह की, एक पत्ती ऐसी होती है दोस्तों कपलिंग, ये कपलिंग आपके हाथ में आ जाएगी। दोस्तों, ये देखिए ओल्ड वाली कपलिंग है जो मैंने निकाल ली है, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा कट चुकी थी और ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने साफ़ कर दिया, इसमें थोड़ी पिले है ये। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी मोटर जो है नीचे की साइड बैठ गई है, जो मोटर नीचे खिसक गई है दोस्तों, इसीलिए ठीक से ये काम नहीं कर पा रही है। ये कपलिंग इसके घिसने का यही कुछ कंडीशन में रहा है दोस्तों। और हमें एक कटा हुआ पेचकस है दोस्तों, हम लोगों के पास में कटा हुआ पेचकस रहता है, तो इस कटे हुए पेचकस की मदद से आप लोगों को ये इसका अंदर का स्क्रू खोल लेना है। आप लोग चाहें तो इसको सीधा वाला पेचकस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास में कटा हुआ पेचकस है तो मैंने कटे हुए पेचकस से इसको खोल लिया है। ये देखिए दोस्तों, निकाल लिया है ये बोल्ट मैंने। अब दोस्तों, जो तीन नट खिंचे हुए हैं ये बराबर में, इसके शाफ्ट के बराबर में, देखिए दोस्तों मैं इनको अच्छे से थोड़ा टाइट कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये देखिए पिले है इसमें, अब जो थोड़ा टाइट करूंगा तो मोटर का हिस्सा हमारा ऊपर की साइड खिसक आएगा थोड़ा, इससे थोड़ी पिले दोस्तों हल्की सी पिले कम हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, थोड़ी रहना भी चाहिए वैसे। ये आप लोगों को अच्छे से टाइट कर लेना है। दोस्तों, इससे क्या होगा, जब हम इसको टाइट कर देंगे तो ये मोटर का हिस्सा जो है हमारा थोड़ा ऊपर की साइड खिसक आएगा। देखिए, इसमें कम हो गई है दोस्तों। अब वापस मैंने ये कपलर इसके अंदर लगा दिया है, अब हमें उसी तरह से इसको वापस खींच देना है बोल्ट को। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, मिक्सर मशीन आदि मिक्सर मशीन के जार ये संभालता रहता हूँ। आपको कोई भी चीज़ की अगर दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। अब देखिए दोस्तों, मैं नया वाला कपलर निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मैं नई वाली कपलिंग निकाल ली है। अब हम इस कपलिंग को उसी साइड जैसे वो रखा हुआ था, ये हॉल से हॉल मिलाने के बाद में दोस्तों देखिए, ये पुरानी है मेरे हाथ में और मैं ये नई वाली लगाता हूँ। देखिए बिल्कुल सेम साइज़ है ये, देखिए जिसके हॉल बने हुए हैं दोस्तों, इस हॉल को हमें उससे मिला देना है अच्छे से, जो हमारे कपलर में भी तीन हॉल हैं और ये भी तीन हॉल हैं, इनको हमें अच्छे से मिला देना है। इस तरह से मिलाने के बाद आप इसको बारी बारी करके इसको अच्छे से टाइट कर देंगे।
दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जो आपके फ़ोन में रेड वाला बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन पर दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये देखिए मैंने अच्छे से टाइट कर दिया है दोस्तों, अभी एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मार्केट में आपको 8 से 10 रुपए की दोस्तों मिल जाएगी, लेकिन कोई मैकेनिक आपसे 70-80 रुपए दोस्तों इसके ले लेगा। इतना काम अपने घर पे भी लाके आप खुद कर सकते हैं दोस्तों। ये अच्छे से एकदम टाइट हो गया है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।